उस टाइम मेरे 1 साल का बेटा था और 96 में मेरी शादी हुई थी। तो एक आर्मी वाला जो वर्दी पहनता है तो उनको पता चल जाता है कि हम जा रहे हैं। हमें तो ठीक से आर्मी के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था, ठीक है। जैसे ही मतलब ये हादसा हुआ, उन्होंने बलिदान दिया, तो हमें एकदम से टूट गए थे। कारगिल युद्ध के 25 साल पूरे हो गए हैं और हम हमेशा बात अपने शहीदों की करते हैं, लेकिन जो उनके पीछे हिम्मत है, उनकी माँ, उनकी बहनें, उनकी पत्नियाँ जो ईंट से ईंट मिलाकर उनके साथ खड़ी रहती है, आज इंडिया न्यूज़ पर उनकी कहानी भी सुनना बेहद ज़रूरी हो जाता है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे आखिर उनकी क्या शौर्य कहानी है। नमस्कार मैम, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम प्रतिभा यादव, अमर शहीद लांस नायक राजेंद्र कुमार यादव जी की धर्मपत्नी। मेरे हस्बैंड 99 कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे 30 मई को, और उनको 13 मई को ही खरगोन से वो कारगिल गए थे। तो जब ही उनको पता चल गया था कि युद्ध स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि जब व्यक्ति वर्दी पहनता है तो उन्हें लग ही जाता है कि हम जिस देश के लिए सेवा करने जा रहे हैं, बॉर्डर पर हम हैं, तो हमें कभी भी इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब एक आर्मी वाला जब वर्दी पहनता है तो वो अपने देश को सर्वोपरि, सबसे पहले अपने देश को और मातृशक्ति, मातृभाषा, मातृभूमि को मानता है, और वो मातृभूमि पे निछावर होने के लिए ही वर्दी पहनता है। क्योंकि अगर एक फौजी देश की रक्षा करता है तो सारी जनता, नागरिक सभी सुरक्षित होते हैं और देश भी सुरक्षित होता है। क्योंकि एक शहीद जब अपनी मातृभूमि पर अपना सर्वोच्च निछावर करता है तो उसके पीछे बहुत सारी यादें रह जाती हैं, क्योंकि पत्नी, बच्चे, माता पिता, इन सारी पीछे बड़ी कहानी रह जाती है। लेकिन उस कहानी के पीछे तो दर्द तो होता है, लेकिन वो जो एक गर्व होता है कि मेरा पति या माता पिता का बेटा जो देश के लिए शहीद हुआ है, देश के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया है और अपनी बटालियन का भी नाम रोशन किया है, क्योंकि 18 ग्रेनेडियर के सारे 43 शहीद हुए हैं और उनमें से सेना मेडल भी है, मरण शहीद होने के बाद उनको मिला है, परमवीर चक्र भी मिले हैं। तो इसीलिए, और आज 25 साल हो गए हैं, तो 25 साल की एक लंबी कहानी होती है हर शहीद की, हर सैनिक की होती है, पर वो लंबी कहानी के पीछे वो जो गर्व होता है वो सर्वोपरि होता है कि इंसान आता है और वो जाता है। लेकिन वो इंसान जो देश के लिए शहीद हो गया मातृभूमि की रक्षा करते हुए, तो वो तो इस दुनिया में ना रहते हुए भी अमर है। देखिए, बिल्कुल 25 साल हो गए हैं, महज एक पत्नी के लिए हर वो दिन उन्हें याद आता होगा। हमारे साथ एक और वीर नारी भी मौजूद हैं, इनसे इनकी शौर्य गाथा सुनना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ये लोग ना होते तो शायद जिस सुकून की नींद हम सो पा रहे हैं वो ना हो पाता। मैम, अपने बारे में बताइए। मैं श्रीमती नीलम देवी, लैस नायक शहीद श्री राजकुमार जी जो 99 में शहीद हो गए। उस टाइम मेरे 1 साल का बेटा था और 96 में मेरी शादी हुई थी, तो हमें तो ठीक से आर्मी के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था, ठीक है। जैसे ही मतलब ये हादसा हुआ, उन्होंने बलिदान दिया, तो हमें एकदम से टूट गए थे। लेकिन जो मतलब सहयोग सरकार ने, आर्मी ने, मतलब जो एक उस टाइम लग रहा था कि हमारी फैमिली बहुत छोटी है, लेकिन उसके बाद हमें एहसास हुआ कि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, हम अकेले नहीं है और हमें उनकी शहादत पर गर्व है और आर्मी को सलाम है। आपने बहुत बड़ी बात कही, आपका बच्चा 1 साल का था, उसके बाद पालन पोषण करने में कोई दिक्कत? सहयोग दिया आर्मी ने, पढ़ाई में भी, वैसे भी मतलब एक होता है कि फाइनेंशली मतलब मदद करना, लेकिन जो जिस टाइम हमें जरूरत थी ना कि शहीद राजकुमार की जरूरत थी, वहां हमें आर्मी खड़ी मिली है, हमारे दुख भी बांटे हैं, हमें थोड़ा गाइड भी किया है, हमारे बच्चों को मतलब उनके बारे में सब कुछ बताया है। आज हमारे बच्चों को जैसे ही बोलते हैं ना कि आर्मी से कुछ है, तो वो एकदम से मतलब इतने खुश होते हैं कि जैसे वो अपने पापा से मिलने जा रहे हैं। बहुत गर्व की बात है ये कि मतलब हमारे देश ने, ये लगता था कि वो सिर्फ हमारे हैं, लेकिन हम मतलब बहुत खुश नसीब हैं कि हम उसकी फैमिली का हिस्सा बने। उस दिन हमें दुख हुआ था, भाई हम अकेले रह गए, हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन नहीं,
हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हम एक शहीद परिवार से जुड़े, हमें ये मौका मिला वीरांगना बनने का कि वो तो भगवान थे और भगवान को हमने इतने करीब से देखा, यानी भारत माँ से वो मोहब्बत निभा गए और हमारी लाइफ मतलब सोची नहीं थी कि इतनी अच्छी होगी। उन्होंने अपना फर्ज देश के प्रति भी निभाया और फैमिली के प्रति भी। आप रोज याद करती होंगी? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अच्छा, आज 25 साल पूरे हो गए हैं, वो जब आपको ऊपर से देखते होंगे बहुत आशीर्वाद देते होंगे, क्या कहना चाहेंगे? बात तो हमें ये लगता है कि वो हमेशा देते रहते हैं। वो आपको ऊपर से इस वक्त देख रहे होंगे, बहुत खुश होंगे बेटे को देख के, आपको देख के। तो ऐसा ही लगता है, हम जहाँ भी जाते हैं उनका या नहीं कि आर्मी भी बहुत सम्मान करती है हमारे, मतलब हरियाणा से हुए तो वहाँ भी मतलब समय समय पर प्रोग्राम करते रहते हैं, तो ऐसा ही लगता है कि वो हमारे बीच में है। मैम, आज आप यहाँ आई वर्दी में, आपको महज वही तस्वीर याद आई होगी अपने पति की, जिस तरीके से वो वर्दी पहन के जब बॉर्डर्स पे जाते होंगे। आज यहाँ आई वर्दी में तमाम सोल्जर्स को आपने देखा, क्या अनुभव रहा? मैम, अनुभव तो क्योंकि उनकी याद हर पल हर कोने में रहती है, क्योंकि जब हम वर्दी को देखते हैं तो हमें भी लगता है कि काश अगर वो होते तो वो भी वर्दी में होते, लेकिन उन्होंने वर्दी ही देश की सेवा करने के लिए पहनी थी। और जब मेरी शादी को भी 2 ही साल हुए थे, 97 में शादी हुई थी, और जब राजेंद्र जी 13 मई को वापस आए 99 में, तो उनको 10 मई को ही खुशखबरी मिली थी कि वो पापा बनने वाले हैं। और जब राजेंद्र जी शहीद हुए और जब उनका पार्थिव शरीर हमारे गांव आया 16 जून को, 30 मई को गोली लगी थी, 16 जून को पार्थिव शरीर जब आया, तब मुझे पता चला कि मेरे पति ने इतना बड़ा काम किया है कि गांव के लोग, खरगोन जिले के लोग कि इतना गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे बेटे ने, एक छोटे से गांव के बेटे ने भारत माता के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया। और बेटी ने, क्योंकि वो यही कह कर गए थे, क्योंकि एक आर्मी वाला जब वर्दी पहनता है तो उनको पता चल जाता है कि हम जा रहे हैं, तो ये बोल कर गए थे कि जो भी बच्चा होगा उसे भी आर्मी में भेजना। और उसे बेटी उनकी हुई 7 महीने बाद हुई, तो बेटी को भी बहुत गर्व है कि मेरे पापा ने ऐसा काम किया है जो हर किसी के बस की, क्योंकि जो वर्दी पहनता है और जो बॉर्डर पे रहता है वो वही ये लोग काम कर सकते हैं। और हमारे घर, क्योंकि परिवार भरा, पूरा परिवार है, सबका सपोर्ट रहा। 18 कैंडर में जो भी सर है वो, उनका भी बहुत सपोर्ट है, और पूरा ऐसा महसूस नहीं होता कि हमारा परिवार नहीं है, क्योंकि जब आर्मी वाले हालचाल पूछते हैं, सभी 18 ग्रेडर से सर पूछते हैं कि कैसी हो बिटिया, कैसी है, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, अगर इंसान जाने के लिए आया है तो पति ने आज वो काम किया है ताकि आज हमको यहाँ सबको देखने को मिला है, और गर्व महसूस होता है कि इंसान जाने के लिए सभी आए हैं। और मैं इसी तरह, क्योंकि मेरे पति का आशीर्वाद और शहीदों की कृपा और 18 ग्रेडियर का भी साथ रहा, पूरा सरकार का भी साथ रहा, घर वालों का भी साथ रहा, और इसी के आशीर्वाद से मैं एक शहीद समरसता मिशन से जुड़ी हुई हूँ जो 12 राज्यों में है, जो मैं MP की, पूरे मध्य प्रदेश की संरक्षक हूँ, और वहीं पर जो शहीद परिवारों की देखरेख करना होते, क्योंकि कहीं पर ऐसा होता है कि पूरी यूनिट अपने भी, उनके भी अपने दायित्व होते हैं, जितना वो कर पाते संभव उतना वो पूरा सपोर्ट करते हैं सबको, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है कि 60-65 के भी है, 90-70 ONR के भी है, जिनको जब पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन आर्मी ने, आजकल सरकार ने और आर्मी की वजह से बहुत सारा मिला है, और बहुत परिवार को सपोर्ट मिला है, बच्चों को कॉलेज स्कूल का सारा सपोर्ट मिला है। लेकिन शहीद समरसता मिशन भी वो कार्य कर रही है जो अगर कहीं छूट जाता है तो शहीदों को घर दिलाना, उनकी शिक्षा का, उनकी चिकित्सा का, इनका सारा। और मुझे भी शहीद समरसता मिशन और आर्मी के प्रेरणा से मुझे वो चीज़ मिली कि आज मैं भी उन वीरांगनाओं की, वीर नारियों की सेवा कर पाती हूँ, और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मुझे राजेंद्र जी जैसे पति मिले, और मैं यही चाहूँगी कि मुझे अगले जन्म में ही राजेंद्र जी मिले और देश की सेवा, मेरी बेटी भी देश की सेवा करें। चलिए, आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि जब बात वीर नारियों की आती है, उन जवानों की आती है जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की, और 25 साल हो गए हैं, महज एक बहुत बेहतरीन बात वीर नारियों ने कही कि आज भी वो उनको जब देखती हैं तो उनको वही चित्र याद आता है। मैं शुभ कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ इंडिया न्यूज़ दिल्ली।